हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिक्स एंड एजुकेशन चैनल। डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आपके समक्ष आ गई हूँ। मैं न्यू सीरीज स्टार्ट की हूँ आपके जो न्यू एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपी सुपर टेट वर्ग 2 एंड वर्ग 3, यूपी टीजीटी भी जल्द से जल्द होने वाला है और नया वैकेंसी ईएमआरएस एकलव्य मॉडल स्कूल का तो आ ही गया है। आप सभी प्रिपरेशन में लग गए होंगे एंड दोस्तों यूपी अल्टीग्रेड का भी वैकेंसी आने वाला है, तो इन सब का प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और मेरे चैनल पे फ्री में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें मेरे चैनल पे है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन एमसी की प्रैक्टिस कीजिए और डेली बेसिस में मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यह आपका 5वां वीडियो है न्यू प्रैक्टिस सेट का, जो आपको न्यू मेन एग्जाम्स होने वाले हैं। और इससे पहले मैं जब एमपी टेट का एग्जाम होने वाला था तो कम से कम 90-91 वीडियोज में आपको प्रैक्टिस कराई हूँ। वो सभी वीडियोज भी आप देखिए और सभी प्रैक्टिस सेट देखिए। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं फालतू बातें नहीं करती, ओनली आपके कॉन्टेंट आपके हित की बातें करती हूँ और समय ही आपके लिए सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप अपना स्कोर चेक कीजिए, जिस भी टॉपिक में कमजोर है उसको अपना सुधारिए, उसमें कमियां ढूंढिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि थॉमस बॉक का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों थॉमस बॉक जो है आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इनका संबंध है फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक का क्या नाम है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उस समय नवीन अग्रवाल थे, बट वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं नाडा के सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। एंड दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं नाडा यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, इसका मोटो है प्ले फेयर। इसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया। एंड दोस्तों वाडा होता है जो वर्ल्ड में डोपिंग के मैटर को देखता है, जैसे कि वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसियन शहर में हुआ था, जिसका मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में है। एंड वाडा के वर्तमान अध्यक्ष है बिटोल्ड बांका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का नाम बताओ। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है वह टेनिस में होता है और सबसे प्रसिद्ध है विंबलडन ओपन। कौन सा है सबसे प्रसिद्ध? विंबलडन ओपन। दोस्तों टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है सभी चीजों को बहुत ही शॉर्ट में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टेनिस के एक साल में 4 बड़े टूर्नामेंट आयोजित होते हैं जिसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोला जाता है। इसमें 4 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन सबसे पहले आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में एंड फिर आपका फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन ओपन जून जुलाई में, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर एंड विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर। यानी कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर। जैसा कि दोस्तों जो सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है तो विंबलडन ओपन है जो इंग्लैंड में होता है। सबसे पुराना टेनिस का सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम है, 1877 से खेला जा रहा है ऑल इंग्लैंड टेनिस एवं क्रिकेट क्लब में लंदन में। एंड उसके बाद आया 1881 में यूएस ओपन एंड उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से खेला जा रहा है। लेकिन जब पूछेगा सीक्वेंस बाई सबसे पहले साल में कौन आयोजित किया जाता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में, फिर फ्रेंच ओपन मई जून में, फिर विंबलडन ओपन जून जुलाई में, फिर
फिर लास्ट में यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। नेक्स्ट है अनुवांशिकी का पिता मह यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कर्व स्टार्ट की मार्किंग देने के लिए अर्धव्यास या रेडियस कितना रखा जाता है, तो 30 मीटर रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, 37 टीम हो तो चौथे क्वार्टर में कितने टीम रखी जाएगी, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या ज्यादा है, 16 या 16 से ज्यादा है, तो टीमों को क्वार्टर्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो क्वार्टर्स में बांटने के लिए सूत्र है कि जितना टीम है उसको 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा 37, तो 4 × 9 = 36 हो गया, एक शेष बच गया, यानी कि प्रत्येक क्वार्टर में 9-9 टीमें रखी जाएंगी और जो एक शेष बचता है उसको रखने का नियम होता है कि पहले टीम को पहले क्वार्टर में, दूसरे टीम को तीसरे क्वार्टर में, और तीसरे टीम को दूसरे क्वार्टर में, और चौथे टीम को चौथे क्वार्टर में, तो दूसरा तीसरा आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे ओनली एक आपका शेष बचा है तो यह पहले क्वार्टर में आ जाएगा, तो यानी पहले क्वार्टर में 4 × 9 = 36 हुआ, तो पहले क्वार्टर में 10 खेलेंगे और 3 क्वार्टर में 9-9 टीम खेली रहेगी, तो यहाँ पे चौथे क्वार्टर में कितने टीम रहेगी दोस्तों, तो 9 टीम रहेगी, जैसा कि आप समझ गए होंगे। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिए का संबंध किस खेलों से है, तो इसका संबंध है बॉलिंग एंड टेनिस से। नेक्स्ट दोस्तों, स्टक लैंडिंग का संबंध किस खेल से है, लैंडिंग करना, यह जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है, किससे है, जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेडाइट सिस्टम किस खेल से संबंधित है, एक्सपेडाइट सिस्टम यह टेबल टेनिस से संबंधित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेडाइट सिस्टम किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के खेल अधिकतम कितने अंकों का खेला जा सकता है, तो अधिकतम 30 पॉइंट तक खेला जा सकता है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन अधिकतम कितने अंकों तक खेला जा सकता है, अधिकतम 30 पॉइंट तक खेला जाता है। वैसे तो बैडमिंटन जो होता है वह 21-21 अंक के 5 सेटों में खेला जाता है और 2 अंक की बढ़ोतरी के साथ खेला जाता है। मान लीजिए किसी खिलाड़ी का 20 अंक आया और एक पक्ष का, तो दूसरे पक्ष का 22 अंक आना अनिवार्य है और अधिकतम 30 पॉइंट तक का होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, तो हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है जिसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 एक तरफ, एक जबड़े तरफ और दूसरे जबड़े तरफ 3, यानी कुल 6 होती है और 3 जोड़ी होती है। तो सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबसे छोटी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सबसे छोटी होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड। लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होता है जिसमें टैलिन नामक एंजाइम स्त्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसका मतलब यह होता है कि जो खाने भोजन का पाचन होता है मुख में ही प्रारंभ हो जाता है लार के द्वारा, टैलिन एंजाइम के द्वारा, और इस भोजन का पूर्ण पाचन व पूर्ण अवशोषण होता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है, भारत के किस स्टेडियम को इरविन एम्फीथिएटर कहा जाता है, तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को इरविन स्टेडियम एम्फीथिएटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में पदक नहीं दिए गए थे, तो दोस्तों पदक देने का स्टार्ट 1904 में हुआ और ठोस स्वर्ण पदक 1912 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे 1920, 1948, 1904 सभी में स्वर्ण पदक दिए गए हैं, बट 1900 में कोई पदक नहीं दिया गया है, 1904 से स्टार्ट हुआ है पदक देना। नेक्स्ट है, रक्तदान करते समय रक्त कहाँ से लिया जाता है, तो जैसा कि आप देखते हैं जानते हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है
और शिराओं में अशुद्ध रक्त, तो रक्त जो है दान करते समय रक्त जो है वो धमनियों से लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश में शारीरिक शिक्षा को स्पोर्ट्स कल्चर यानी कि शारीरिक संस्कृति कहा जाता है? तो रूस में यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि किस देश में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति यानी स्पोर्ट्स कल्चर बोला जाता है? तो रूस में। नेक्स्ट, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1954 में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे बहुत सारे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका भी गठन 1954 में हुआ। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब की गई? तो 1953 में उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत किया। और दोस्तों, ये एक टेनिस प्लेयर भी थी और भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि YMCA की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, यहाँ पे भारत में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले YMCA की स्थापना किया था जॉर्ज विलियम ने लंदन में, कब किया था? लॉर्ड विलियम ने लंदन में 6 जून 1844 ईस्वी में लंदन में किया था। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत हुआ था। और भारत में YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना HC Buck के द्वारा 1920 मद्रास में हुआ। HC Buck हेनरी कुलबैक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है एंड इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे HC Buck। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आप सबको पता है विटामिन D मिलता है। कौन सा मिलता है सूर्य की किरणों से? तो विटामिन D3 मिलता है। नेक्स्ट है, IOC ने भारत में कौन सा कोड दिया है? तो IOC ने भारत को IND इंडिया के लिए IND कोड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग नामक खेल किस संघ के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग नामक जो खेल है वह भारत के किस संघ के अंतर्गत आता है? तो यह दोस्तों आता है फीना यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन। फीना का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन है, नेशनल नहीं है, याद रखिएगा। तो कभी कभी पूछता है कि फीना में यंग से क्या तात्पर्य है? तो नेशन, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन फीना। यह फीना की जो स्थापना है लुसाने, हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 19 जुलाई में लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। और फीना के अंतर्गत स्विमिंग, डाइविंग यानी कि गोताखोरी, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग आदि आता है। यह इन सभी प्रतियोगिताओं का संचालन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेनाल्टी क्षेत्र का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो पेनाल्टी गोल एरिया और पेनाल्टी क्षेत्र दोनों का संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है। पेनाल्टी क्षेत्र की माप होती है 44x18 गज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 मीटर दौड़ का स्ट्रेगर का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 400 मीटर फुल स्ट्रेगर का सूत्र होता है WN-1-10 2π, और हाफ स्ट्रेगर का सूत्र होता है WN-1-10π यानी 2 हट जाता है, बस वही होता है। और यहाँ पे 800 मीटर दौड़ का स्ट्रेगर का सूत्र पूछा है, तो इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर क, यहाँ पे राइट होगा WN-1-0.10π+DED। नेक्स्ट दोस्तों, कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, कार्डियक आउटपुट का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बार में हृदय की एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है उसको
स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये आपका होता है 70 से 72 ml तक, 70 ml होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो हृदय धड़कन होता है एक मिनट में 72 बार होता है, तो उसी बार 72 बार धड़कता है, तो प्रत्येक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ हृदय द्वारा बाएं निलय द्वारा पंप किया जाता है उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml और हार्ट रेट होता है 72 ml, दोनों का गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 आपका लीटर होगा, यानी कार्डियक आउटपुट कुल कितना होता है 5.0 liter होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हार्ट रेट का सूत्र क्या होता है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस एज होता है, 220 माइनस में आप एज जितना होगा उतना निकाल देंगे तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो दोस्तों कोरोनरी आर्टरी का संबंध हृदय से है। यह जो है जब बाया निलय रक्त को पंप करता है एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, महाधमनी महाधमनी की प्रथम शाखा निकलती है जो कोरोनरी धमनी होती है, जो हृदय के समस्त भाग में फैली होती है और यह हृदय के मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है कोरोनरी धमनी। याद रखिएगा कि हृदय की पेशियों को रक्त कौन आपूर्ति करता है, तो कोरोनरी धमनी करती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रोइंग या स्विमर मसल्स किसे कहते हैं, तो यह लैटिमस डोर्सी को कहा जाता है, रोइंग मसल्स स्विमर मसल्स दोनों, एंड थ्रोअर मसल्स बोला जाता है पेक्टोरलिस मेजर को, एंड लिफ्टर मसल्स बोला जाता है डेल्टायड को। नेक्स्ट है मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता किस उपकरण से मापी जाती है, तो दोस्तों इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, EMG मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट है दोस्तों सीखने के सिद्धांत किसने दिया, तो सीखने के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य सिद्धांत और गौर सिद्धांत दिए हैं थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य सिद्धांत में तत्परता का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे मजबूत अस्थि फीमर होगी। एंड दोस्तों वैसे तो पूरे शरीर की बात करें तो सबसे मजबूत अस्थि हमारे निचला जबड़ा यानी कि मैंडिबल होता है, ठीक है, और जो इस ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें सबसे मजबूत अस्थि हमारा फीमर जांघ की हड्डी होगा, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी और लंबी अस्थि होती है फीमर। नेक्स्ट है ऑसिपिटल बोन की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों ऑसिपिटल बोन जो होता है यह मस्तिष्क की यानी कि खोपड़ी की हड्डी होती है, खोपड़ी में यानी क्रेनियल बोन 8 होती है जिसमें फ्रंटल 1 होता है, पेराइटल 2 हड्डी होता है, टेम्पोरल 2 हड्डियां होती हैं, एंड ऑसिपिटल स्फिनॉइड इथेमॉइड ये तीनों एक एक हड्डियां होती हैं। तो ऑसिपिटल बोन कितनी होती हैं, तो एक होती हैं, कितनी होती हैं एक होती हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइक पोजिशन का संबंध किस खेल से है, तो पाइक पोजिशन का संबंध है डाइविंग से, किससे डाइविंग से। नेक्स्ट है हील बोन यानी कि हड़ी की, हील बोन यानी कि एड़ी की अस्थि किसे कहा जाता है, तो कैल्केनियस को बोला जाता है, ठीक है। हील बोन किसे कहा जाता है, एड़ी की हड्डी कैल्केनियस के कहा जाता है, एड़ी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसमें शरीर का समस्त भार इसी पे होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है फाइबर्स ज्वाइंट किसे कहते हैं, दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एमपीटेट में आया हुआ था, वर्ग 3 में आया हुआ था, और तो आपको ध्यान रखना है कि फाइबर्स ज्वाइंट किसे कहते हैं, फाइबर्स ज्वाइंट यानी कि
आपका फिक्स ज्वाइंट जिसे अचल संधि को कहा जाता है, यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट आपका राइट हो जाएगा। फिक्स ज्वाइंट को फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे संधि में तीन प्रकार की जोड़ पाई जाती हैं, अचल संधि, चल संधि, अर्धचल संधि। तो अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। इसमें कोई गति नहीं होता, जैसे खोपड़ी का जोड़, दांतों का जोड़, एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट आता है। एंड दूसरा होता है अर्धचल संधि, जिसे सिंगली मूवेबल कार्टिलेजियस एंड एम्फियाथ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें बहुत कम गति होती है। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी का जोड़ एंड कुल्हे की हड्डी का जोड़ और हमारे रिब्स यानी पसलियों की हड्डी का जोड़ आता है। एंड तीसरा होता है चल संधि, जिसे साइनोवियल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें छह प्रकार की आती हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर सरकता है, जैसे कार्पस एंड टार्सल ज्वाइंट। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार के सिरे में घुसा रहता है, उससे सभी दिशाओं में गति होती है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा होता है चल संधि के अंतर्गत हिंज ज्वाइंट, जिसे कब्जा संधि, कोर संधि बोलते हैं। इसमें एक तल में गति होती है एक ही दिशा में, जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों और जबड़ों का ज्वाइंट। चौथा होता है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, स्थूल संधि, जो दो तल में गति होता है, जैसे कि कलाई का, मणिबंध का ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। पांचवा होता है चल संधि में पीवट ज्वाइंट, जिसमें जिसे धुराग्र संधि भी कहते हैं। इसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, जैसे एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, जैसे गर्दन की गति एंड रेडियस अल्ना की गति। एंड छठवा होता है चल संधि में सैडल ज्वाइंट, जिसे परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि कहते हैं, जैसे कि किसी भी दिशा और तल में गति होती है। इसमें आपका जिसमें अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल, किस देश से व किस खेल से है। तो दोस्तों आगा खा कप का संबंध हॉकी खेल से है और मलेशिया देश से है। हॉकी खेल से है और मलेशिया देश से है। नेक्स्ट है पेरिटोनियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों यह पेट यानी कि अमाशय की परत, यानी कि अमाशय जो होता है पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। तो अमाशय यानी पेट की परत होती है पेरिटोनियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों माका ट्रॉफी की शुरुआत, इसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बोला जाता है, शॉर्ट में माका ट्रॉफी बोला जाता है, इसकी शुरुआत 1956-57 में हुआ। यह पिछले एक साल में अंतर विश्वविद्यालय में शीर्ष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इसमें इनाम स्वरूप 15,00,000 रुपये दिया जाता है विजेता को, और इसका प्रथम विजेता बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। एंड 2022 में इसके विजेता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, और सबसे ज़्यादा बार माका ट्रॉफी जीतने वाला विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब, जो अब तक में 23 बार सबसे अधिक बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसी मेरी काम किस राज्य की रहने वाली है। तो एमसी मेरी काम दोस्तों रहने वाली है मणिपुर की, जैसा कि ये बहुत भारत की सबसे मिसाल सबसे बेहतरीन मुक्केबाजी है। कहाँ की रहने वाली है ये मणिपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों पीवी सिंधु किस राज्य की रहने वाली है। तो यह वर्तमान में बहुत चर्चित है बैडमिंटन खिलाड़ी, तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो तेलंगाना की रहने वाली है पीवी सिंधु। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक किसे कहा जाता था। तो जो उद्घोषणा करता था खेल का प्राचीन ओलंपिक में, उसको स्पोंडोफोरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता था, स्पोंडोफोरी। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस और थैलेमस, और मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड
पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है। तो दोस्तों सेरिब्रम जो होता है जो हमारे समस्त सोचने संबंधी बुद्धि का केंद्र होता है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो हमारे माथे वाला फोरहेड वाला भाग होता है वही होता है सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सोचने संबंधी तर्क करने सभी बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है 4x400 मीटर रिले के स्ट्रगर का सूत्र क्या है, क्या होता है? तो रिले रेस का पूछ रहा है 4x400 मीटर का, तो 1/2 स्ट्रगर प्लस DED। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों तो जो तत्व दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, जो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन जो है 65%, कार्बन जो है 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% एंड नाइट्रोजन 3.2%, जो पूरा मिलाकर के 96.2% पाया जाता है। एंड इसमें से जो 3.8% होता है उसमें अजैविक तत्व जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सभी पाए जाते हैं। यानी कि हमारे शरीर के कुल 21 तत्व होते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, नाभिकीय अम्ल आते हैं जिसमें आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एंड वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की उपस्थिति का यह सबसे अलग बनाता है प्रोटीन को। एंड ये आपका शरीर के कुल 96.2% मानव शरीर का भाग बनाता है एंड 3.8% भाग खनिज लवण बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वह कौन सा खेल है जिसमें महिला व पुरुष दोनों ही एक टीम के सदस्य होते हैं? तो यह होता है कॉर्फ बॉल। कॉर्फ वाले महिला पुरुष दोनों खेलते हैं एक टीम में, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन कालीन ओलंपिक किस महीने में आयोजित किए जाते थे? तो दोस्तों प्राचीन कालीन ओलंपिक 5 दिन का होता था और अगस्त महीने में खेला जाता था, 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। और वर्तमान ओलंपिक जो है 16 दिन का होता है। नेक्स्ट, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप, थॉमस कप, इन दोनों का संबंध बैडमिंटन से है, लेकिन उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है एंड थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सिलेंडर स्थिति का संबंध किस खेल से है? तो सिलेंडर स्थिति का संबंध है बास्केटबॉल से। एंड नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है, हमारे सभी तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो हमको ठंडा, गर्म, दर्द और हमारी सूचनाएं जो होता है, तंत्रिका तंत्र का कनेक्शन टूट गया तो हम एकदम कोमा में चले जाते हैं, मेरा हमारे शरीर का कोई भी बॉडी कोई काम नहीं करता। तो जो होता है सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होता है साइटिक नर्व, कौन होता है? साइटिक नर्व होता है सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र, जो हमारे सबसे जो हमारी हिप होता है अंतिम वाला जो रीढ़ की हड्डी होता है भाग होता है, वहां से निकलती हुई पैर की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट, थ्रोअर मसल्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों थ्रोअर मसल्स बोला जाता है पेक्टोरलिस मेजर, जो हमारे वक्ष पर होता है, हमारे छाती पर होता है, तो इसे थ्रोअर मसल्स कहते हैं। तो दोस्तों ये था 50 MCQ के क्वेश्चंस, आज के वीडियो में सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।